आज मैं कच्छ आए और कच्छ प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। और प्रधानमंत्री जी के अद्भुत आदित्य और अभूतपूर्व 9 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए आज ही प्रधानमंत्री जी का भी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हैं, अभिनंदन दीजिए, वंदन दीजिए, स्वागत कीजिए। नड्डा जी, भारत माता की, नड्डा जी युद्ध का संग झूमने आए हैं और संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं। बोलो सब तैयार हो चुनाव के लिए? सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लाडली में हमें भी जाएंगी, हरिद्वार सभा में जाएंगी। तो आइए, ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के लिए अब तक की सबसे रिकॉर्ड तोड़ विजय भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा के चुनाव में भी प्राप्त करे और 2024 में 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीते मध्य प्रदेश में और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, इसका हम सब संकल्प लेंगे। क्योंकि नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच है, इससे बेहतर और कौन अवसर हो सकता है आज विजय का संकल्प लेने का। बोलो सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और 2023 के विधानसभा के चुनाव में और 2024 के विधानसभा लोकसभा के चुनाव में संपूर्ण विजय के संकल्प के साथ हम मैदान में उतर जाएंगे। और जब भाजपा के कार्यकर्ता मैदान में उतरते हैं तो कोई और पार्टी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? आइए मेरे साथ विजय का संकल्प लीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भारत माता की। एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी में माननीय नड्डा जी का स्वागत है, अभिनंदन है आपका, ये दौरा विजय का पथ प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत।